हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सरसों और बथुआ मेथी सोवा की सब्जी बनाने चल रहे हैं। हरी सब्जी ठंडी में बहुत ही स्वादिष्ट आती है। ये देखिए, सरसों और बथुआ हमने एक एक गड्ढी लिया है और सोवा मेथी हल्का हल्का। सारी सब्जियां खड़ी हमने धुल ली थी, इसको बारीक कट कर रहे हैं। ये सरसों हम इस तरीके से बारीक चाकू से कट कर ले रहे हैं। सरसों कट गया है, अब इसी में हम एक ही साथ बथुआ काट ले रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा सोवा लिए हैं और मेथी भी हल्का सा ले रहे हैं। सभी सब्जियां हम एक साथ काट ले रहे हैं थाली में। काटने के बाद इसको हम फिर से एक बार धुल लेते हैं। हम इस तरीके से धुल लिए हैं तो इसको हम कुकर में रख रहे हैं। ये सारी सब्जियां हम कुकर में रख के एक गिलास छोटी गिलास से पानी डाल दे रहे हैं। अब इसको हम ढक्कन लगा के एक सीटी बुला ले रहे हैं गैस पे। ये हम गैस बंद कर दिए हैं। ये देखिए, एक सीटी हो गया तो सब्जियां हमारी पक गई हैं। इसको हम थाली में निकाल ले रहे हैं पानी छान के। ये सब्जियां थोड़ी ठंडी हो जाए, इस तरीके से हम इसको फैला ले रहे हैं। ये सब्जियां ठंडी हल्का हो गई हैं तो इसको हम मिक्सी जार में लेते हैं। मिक्सी जार में हल्का सा पीस लिए हैं। इधर हम पैन रखे हैं, गरम हो रहा है, इसमें तेल डाल रहे हैं, मेथी दाना, दो तीन सूखा मिर्च लाल डाल दिए हैं। इसको हल्का ब्राउन करेंगे। उसके बाद छोटी कटोरी से आधी कटोरी हम बेसन ले रहे हैं। लो गैस पे इसको हमको बराबर अच्छे तरीके से चलाते हुए पकाना है, बेसन को ब्राउन करना है। तो इस तरीके से हम बराबर चला रहे हैं। ये कलर चेंज हो गया है बेसन का, ब्राउन हो गया है। इसमें हम जो पीसे हुए हैं सब्जियां उसको डालेंगे। ये बेसन के साथ इसको मिला लिए हैं। अब इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, अभी इसमें तड़का लगाना है। तो इसको हम गैस बंद कर दे रहे हैं। ये हम कढ़ाई रखे हैं गर्म है, तो इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। एक छोटा चम्मच जीरा लिए हैं इसमें तड़का देने के लिए। दो तेज पत्ता है और दो हरी कटी हुई मिर्च है। इसको थोड़ा पकने देते हैं। उसके बाद इसमें लहसुन, मिर्चा और अदरक बारीक दरबरा कुटा हुआ दो चम्मच ले रहे हैं। ये देखिए, इस तरीक़ों से इसको धीमी आंच में हम पका लिए हैं। इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें बारीक कटा हुआ एक हम टमाटर ले रहे हैं। इसमें मसाला ऐड करेंगे। एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच हल्दी, एक छोटा चम्मच दरबरा लाल मिर्च है कुटा हुआ। ये देखिए, इसको चला ले रहे हैं इस तरीके से। इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं ताकि ये टमाटर और मसाला अच्छे तरीके से सब गल के पक जाएं। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर दिए हैं। ये पक गया है टमाटर, अच्छी तरीके से गल गया है। तो इसमें हम सब्जियां जो रखे हैं इसको हम डाल रहे हैं। डाल के इस तरीके से इसको हम चला दे रहे हैं। नमक तो हम पहले से डाले हैं, नमक नहीं डालेंगे। जब भी इसको बनाइए लोहे की कढ़ाई में बनाइए, स्वाद दुगना हो जाता है। इसमें हम ऊपर से हींग लगा रहे हैं ताकि इसकी खुशबू आती रहे सब्जी में खाने पर। ये सब्जियां हमारी देखिए इस तरीके से पक गई हैं। इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये हमारा सब्जियां बन गया है, बन के रेडी हो गया है। अगर ये हमारा तरीका आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।